शासन। और ये जो ब्रिटिश ताज का शासन रहा, ये रहा 1858 से 1947 तक, 1858 से 1947 तक इस ब्रिटिश ताज का शासन रहा। इस 1858 से लेकर 1947 के पीरियड में जो जो एक्ट आए, उन एक्टों की हम चर्चा करेंगे। इसी के तहत जो एक्ट आया, वो आया था सबसे पहले 1858 का विक्टोरिया घोषणा पत्र, 1858 का विक्टोरिया घोषणा पत्र या भारत सरकार अधिनियम, 1858 का भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम। इस 1858 का भारत सरकार अधिनियम को ही हम विक्टोरिया घोषणा पत्र, विक्टोरिया घोषणा पत्र, शाही घोषणा पत्र, शाही घोषणा पत्र, या हम कह सकते हैं इलाहाबाद, इलाहाबाद घोषणा पत्र। ये इलाहाबाद घोषणा पत्र क्यों कहते हैं, इसकी चर्चा हम आगे कर लेंगे इसी टॉपिक में। इलाहाबाद घोषणा पत्र, इस 1858 का जो भारत सरकार अधिनियम था, इसी को हम विक्टोरिया घोषणा पत्र के नाम से जानते हैं, शाही घोषणा पत्र के नाम से जानते हैं, इलाहाबाद घोषणा पत्र के नाम से जानते हैं। इसमें क्या क्या प्रावधान थे, हम उन पर चर्चा करेंगे। जो पहला प्रावधान किया गया, वो पहला प्रावधान ये किया गया कि जो इस ब्रिटिश कंपनी शासन कर रही थी भारत पर, उस ब्रिटिश कंपनी से उस शासन को लेकर ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया, यानी ब्रिटिश जो महारानी थी उसके अधीन कर दिया गया। इसी 1858 का घोषणा पत्र का जो मुख्य उद्देश्य था, वो मुख्य उद्देश्य ये था कि भारत में जो विभिन्न प्रकार की आंदोलन हो रहे थे, या कहे हम जो 1857 की क्रांति हुई, उस 1857 की क्रांति जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इस कारण ये लाया गया। और भारत में प्रशासनिक सुधार करने के लिए, और भारत को ब्रिटिश औपनिवेशिक के रूप में उपयोग करने हेतु ये लाया गया था। इस 1858 के भारत सरकार अधिनियम के तहत पहले मैंने चर्चा की, बताया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रही थी, उससे शासन लेकर अब ब्रिटिश महारानी के अधीन कर दिया गया। और इसी 1858 के घोषणा पत्र के तहत ही जो मुगल बादशाह हुआ करते थे, इस मुगल बादशाह का पद क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। यानी मुगल बादशाह का पद समाप्त कर दिया गया, अब मुगल बादशाह नहीं रहेगा। इसके तहत, इसी एक्ट के तहत जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे, इस गवर्नर जनरल का जनरल का नाम बदलकर, गवर्नर जनरल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, वाइसराय कर दिया गया। क्या कर दिया गया, वाइसराय कर दिया गया। कि पद तो वही है गवर्नर जनरल की जैसे, परंतु अब गवर्नर जनरल नहीं कहलाएगा, अब वाइसराय कहलाएगा। और जो भारत का प्रथम वाइसराय बना, वो बना था लॉर्ड कैनिंग। कौन बना, लॉर्ड कैनिंग बना। हमने पहले चर्चा कर ली थी कि एक गवर्नर जनरल बना था, जो बंगाल का गवर्नर जनरल बात करता था, वो संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना। और इस संपूर्ण भारत के गवर्नर जनरल का ही अब 1858 के घोषणा पत्र के तहत इस गवर्नर जनरल का नाम बदल कर क्या कर दिया, वायसराय। तो भारत का प्रथम वायसराय कौन बना, लॉर्ड कैनिंग बना। अब जो ये प्रावधान आया था, इस प्रावधान को या इस घोषणा पत्र को 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। इस कारण इस 1858 का जो भारत सरकार अधिनियम आया, उसको इलाहाबाद घोषणा पत्र के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना,
1858 का जो भारत सरकार अधिनियम आया उसको इलाहाबाद घोषणा पत्र के नाम से क्यों कहते हैं? क्योंकि उस दिन 1 नवंबर 1858 को इस घोषणा पत्र को लॉर्ड कैनिंग द्वारा इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया गया था, इस कारण इसको इलाहाबाद घोषणा पत्र कहते हैं। पहले दो संस्थाएं काम कर रही थी, हमने पहले पिछले वाले वीडियो में चर्चा की, एक तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ये दो संस्थाएं एक व्यापारिक मामलों को देखती थी, एक राजनीतिक मामलों को देखती थी। इन दोनों ही संस्थाओं को इस एक्ट के तहत क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। और इन दोनों जो संस्थाएं थी, इन दोनों संस्थाओं के जो कार्य थे, वो कार्य किसको दे दिए गए? भारत सचिव को, भारत सचिव को दे दिए गए। इसलिए हम कह सकते हैं कि इस 1858 के जो विक्टोरिया घोषणा पत्र आया था उसके तहत भारत सचिव का पद भी सृजित किया गया। और एक 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन किया गया। यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जैसी संस्थाओं को समाप्त कर इनके समस्त कार्य भारत सचिव को दे दिए गए और एक 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन किया गया। ये जो प्रथम भारत सचिव बना था प्रथम भारत सचिव बना, प्रथम भारत सचिव बना लॉर्ड स्टेनले बना था प्रथम, और जो सेकेंड बना था वो बना था चार्ल्स वुड्स बना था। ये भी याद रखना, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है भारत सचिव का पद कब सृजित किया गया, 1858 में। प्रथम भारत सचिव कौन बना? लॉर्ड स्टेनले बना, सेकंड चार्ल्स वुड्स बने थे। ये दो याद रखना, यहाँ तक प्रश्न होता है। और 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन किया गया। ये जो भारत सचिव और जो भारत परिषद हुआ करती थी, इन दोनों की मुख्यालय लंदन में हुआ करते थे। यानी भारत सचिव का और भारत परिषद का जो मुख्यालय था, हेड ऑफिस था, वो लंदन में था। ये जो भारत सचिव होता था, ये भारत सचिव ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था, ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी। या कह सकते हैं कि इस भारत सचिव की जो जवाबदेही थी वो ब्रिटिश संसद के प्रति थी। इस भारत सचिव व ब्रिटिश जो भारत परिषद हुआ करती थी और भारत सचिव जो पद होते थे, उनको जो वेतन और अन्य जो सुख सुविधाएं मिलती थी, ये भारतीय राजस्व या भारतीय कोष से दिया जाता था। ये आपका 1858 का विक्टोरिया घोषणा पत्र रहा, इसमें से जो मुख्य मुख्य है वो प्रश्न पूछा जाता है। मुगल बादशाह का पद कब समाप्त किया गया, भारत सचिव पद कब सृजित किया गया, भारत का पहला भारत सचिव कौन बना, भारत सचिव किसके प्रति उत्तरदायी रहते हैं, ऐसे तमाम प्रश्न बनते हैं। आप इनको एक बार ध्यान से पढ़िए, लगभग इनमें से प्रश्न बने जाते हैं। उसके बाद में जो आता है वो आता है 1861 का भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम, 1861 का भारत परिषद अधिनियम। इस 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत मुख्य मुख्य जो प्रावधान किए गए, वो प्रावधान था पहला कि जो वायसराय होता था, अब वायसराय बोलेंगे हम इसको, गवर्नर जनरल नहीं बोलेंगे, जो वायसराय हुआ करता था, इस वायसराय को पहली बार शक्ति दी गई। और शक्ति कौन सी शक्ति? कि वायसराय क्या कर सकता है? वायसराय एक तो अध्यादेश, जो विधेयक बनते हैं उन विधेयकों के संदर्भ में, विधेयकों के संदर्भ में इनको एक तो विटो पावर दिया गया। क्या दिया गया? विटो पावर दिया गया। और अगर किसी वजह से ब्रिटिश संसद नहीं चल रही हो, कोई कानून की आवश्यकता हो गई हो, तो वायसराय अध्यादेश भी जारी कर सकता है। ये पावर दी गई किसको? इस वायसराय को। अध्यादेश आज वर्तमान में जो भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है उसके तहत अध्यादेश अगर कोई कानून नहीं बनता है तो भारत का राष्ट्रपति
अध्यादेश जारी करता है। आगे की वीडियो में हम विस्तार से अध्यादेश के बारे में चर्चा करेंगे। हमेशा एक दो प्रश्न अध्यादेश के संदर्भ में पूछा ही जाता है। तो वायसराय को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति कब दी गई? 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत। और पहली बार जो विधेयकों के संदर्भ में वीटो पावर कब दिया गया? वो दिया गया 1861 के अधिनियम के तहत ही। इस 1861 के अधिनियम के तहत ही 1862 में, सन 1862 में कलकत्ता बंबई व मद्रास में, कलकत्ता बंबई व मद्रास में हाई कोर्ट या कहे उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। उच्च न्यायालय की स्थापना की गई या हाई कोर्ट की स्थापना की गई, ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। कलकत्ता बंबई व मद्रास हाई कोर्ट की स्थापना कब की गई? 1861 के अधिनियम के तहत 1862 में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, कलकत्ता बंबई व मद्रास। और इसी एक्ट के तहत 1866 में इलाहाबाद में भी हाई कोर्ट की स्थापना की गई। ये 1861 के भारत परिषद अधिनियम के मुख्य मुख्य प्रावधान थे। यहाँ से बढ़िया बढ़िया प्रश्न बनते हैं। कलकत्ता व इलाहाबाद हाई कोर्टों की स्थापना कब की गई? ये वाले प्रश्न बहुत बढ़िया प्रश्न है। वायसराय को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति कब दी गई? विधेयकों के संदर्भ में वीटो पावर कब दिया गया? ये सारा का सारा 1861 के अधिनियम के तहत ही किए गए। उसके बाद में जो अधिनियम आता है वो आता है 1862 का भारत परिषद अधिनियम, 1862 का भारत परिषद अधिनियम। 1862 का भारत परिषद अधिनियम ज़्यादा खास नहीं, एक दो बातें मुख्य मुख्य हैं। इस 1892 का भारत परिषद अधिनियम, इस 1892 के भारत परिषद अधिनियम के तहत पहली बार एक प्रतिनिधि जो प्रणाली होती थी, प्रतिनिधि निर्वाचन प्रणाली होती थी, उसकी शुरुआत की गई। परंतु जो प्रतिनिधि निर्वाचन प्रणाली थी वो अप्रत्यक्ष रूप से थी। और इस अधिनियम के तहत जो प्रावधान किए दिए गए वो भारत परिषद हुआ करती थी, उस भारत परिषद के अधिकारों में वृद्धि की गई, अधिकारों में वृद्धि की गई। और जो इस भारत परिषद में जो सदस्य होते थे भारत की तरफ से, उनको बजट पर चर्चा करने तथा प्रश्न पूछने की छूट दी गई। प्रश्न पूछने की क्या दी गई? छूट दी गई। परंतु उसमें प्रावधान किया गया है कि अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। हम चर्चा करेंगे अनुपूरक प्रश्न क्या होते हैं। आज भी वर्तमान में भारतीय जो संसदीय या कहे जो पार्लियामेंट है, उस पार्लियामेंट में जो सदस्य होते हैं वो सदस्य प्रश्न पूछते हैं मंत्रियों से, और जो मंत्री होते हैं वो मंत्री उन संसद के सदस्यों के प्रश्नों का जवाब देते हैं। जो अनुपूरक प्रश्न होते हैं वो अनुपूरक प्रश्न किसी प्रश्न के संदर्भ में दोबारा पूछा गया प्रश्न अनुपूरक प्रश्न कहलाते हैं। जैसे आपने कोई प्रश्न पूछा, आपको समझ में नहीं आया, आपने पुनः प्रश्न किया, उसी प्रकार संसदीय शासन व्यवस्था में भी ऐसी प्रक्रिया है कि वो अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। परंतु जब 1892 का भारत परिषद अधिनियम आया उसमें भारतीय लोगों को प्रश्न पूछने की तो छूट दी गई, परंतु अनुपूरक प्रश्न पूछने की छूट नहीं दी गई। ठीक है, अनुपूरक प्रश्न का मतलब होता है कि किसी प्रश्न के संदर्भ में दोबारा प्रश्न पूछना, अगर प्रश्न नहीं समझ में आ रहा है दोबारा प्रश्न पूछना अनुपूरक प्रश्न कहलाता है। और जब हम संसद पढ़ेंगे आगे के टॉपिकों में, तो जो वर्तमान में भारतीय जो संसद है
उस संसद में जो कार्य प्रणालियाँ है और कार्य प्रणालियों के तहत कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। हमने ऑफलाइन बैचों में पढ़ाया है कि तीन प्रकार के प्रश्न होते हैं, तीन प्रकार लोगों में कौन कौन से प्रश्नों में अनुपूरक प्रश्न पूछने की छूट दी गई है, वो आगे की वीडियो में हम चर्चा कर लेंगे। उसके बाद में जो अधिनियम आता है वो आता है 1909 का भारत परिषद अधिनियम, 1909 का भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम इस महत्वपूर्ण अधिनियम है, इसके बारे में बहुत बार प्रश्न पूछ चुका है। 1909 का भारत परिषद अधिनियम देखो विस्तार से चर्चा करेंगे हम। जब 1909 का ये भारत परिषद अधिनियम आया था उस समय जो भारत में वायसराय हुआ करता था वो वायसराय था मिंटो, कौन था मिंटो, और जो भारत सचिव हुआ करता था, भारत सचिव हुआ करता था वो था मार्ले, वो कौन था मार्ले। इस कारण इस 1909 के भारत शासन ये भारत परिषद अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहते हैं, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहते हैं, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहते हैं। तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कौन सा, 1909 का भारत परिषद अधिनियम को ही उस समय भारत सचिव मार्ले और वायसराय मिंटो होने के कारण इसको मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहते हैं। इस मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के तहत जो प्रमुख बातें की गई वो निम्नलिखित है जिनको हम एक एक देखेंगे। सबसे पहले इस अधिनियम के तहत भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई, यानी मत देने का अधिकार दिया गया प्रत्यक्ष रूप से, परंतु महिलाओं को मताधिकार नहीं दिया गया। पहली बात क्या, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई, यानी मतदान का अधिकार दिया गया, परंतु मतदान महिलाओं को नहीं, यानी जो मताधिकार दिया गया ये महिलाओं को नहीं दिया गया। और इस 1919 के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के तहत ही भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई। जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली थी, इस सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई, यानी मुसलमानों के लिए अलग जो मतदान क्षेत्र थे वो बनाए गए, अलग मुसलमानों के लिए एक प्रावधान किया गया कि मुसलमान जो कैंडिडेट है उनको, मुसलमान जो सदस्य हैं या मुसलमान जो मतदाता है वही उनको चुनेंगे। तो इस सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत कर मार्लो मिंटो ने यह साबित कर दिया कि भारत में फूट डालो राज करो की नीति, एक चरितार्थ आया भारत में कि भारतीय लोगों में फूट डालो और यहाँ पर राज करो की नीति भी अपनाई गई इसी के तहत। और एक बढ़िया प्रश्न बनता है कि भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जनक किसको कहते हैं, तो इस मिंटो को भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जनक कहते हैं, मिंटो को भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जनक कहते हैं। और एक सदस्य हुआ करती थी कांग्रेस की, अंबिका मजूमदार, जब 1916 के अंदर जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था लखनऊ अधिवेशन की जो अंबिका मजूमदार थी उसने अध्यक्षता भी की थी, अंबिका मजूमदार ने कहा, एक प्रावधान किया गया था कि जो एक संज्ञा दी गई थी इस एक्ट को 1616 में, जो कांग्रेस की अध्यक्ष थी उसने कहा कि ये चंद्रमा की चांदनी जैसा है, ये जो एक्ट है चंद्रमा की चांदनी जैसा है। ये संज्ञा कभी कभार प्रश्न पूछा जाता है, 1909 के भारत परिषद अधिनियम को चंद्रमा की चांदनी की संज्ञा किसने दी, अंबिका मजूमदार ने दी। और एक सदस्य हुआ करते थे, बाद में जब हमारा संविधान बन रहा था उस विधानसभा के सदस्य थे
के एम मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। इस कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी ने उस 1909 के जो भारत परिषद अधिनियम था उसने कहा कि उसने उसका कथन था कि भारत में इस 1909 के भारत परिषद अधिनियम के तहत एक उभरते हुए प्रजातंत्र यानी उभरते हुए लोकतंत्र की हत्या कर डाली इस अधिनियम के तहत। तो ये कथन भी याद रखना, कभी कभार एग्जाम में पूछे जाते हैं। और एक मिंटो का प्रसिद्ध कथन था, जब भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत कर दी गई थी तो मिंटो का एक प्रसिद्ध कथन था। मिंटो ने कहा था कि भारत में हम सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत कर कर एक ऐसा बीज बो रहे हैं जिसकी फसल आने वाले समय में बहुत कड़वी होगी। ये मिंटो का कथन था, ये भी याद रखना में जरूरी है। तो इन अधिनियमों के तहत हमें ये जो मुख्य मुख्य घटनाएं थी उन पर चर्चा की। आज के वीडियो में हम इतना ही लेंगे। मैंने आपको वीडियो के शुरू में वादा किया था कि आपको जब अंतिम समय में मैं वीडियो एंड करूँगा तो आपको प्रश्न दे के जाऊँगा, तो मैं आज आपको 3 प्रश्न दे के जा रहा हूँ। आप इन तीनों प्रश्नों के उत्तर कमेंट्स बॉक्स में लिखिए इनके उत्तर, दूसरे दिन हम अगले वीडियो में इनकी चर्चा कर लेंगे। जो ऑप्शन नहीं दूंगा मैं, डायरेक्ट प्रश्न दूंगा, जो अभी पूछे हैं या अभी हमने चर्चा की है उन्हीं टॉपिकों में से प्रश्न है। तो मेरा जो पहला क्वेश्चन है या जो पहला प्रश्न है वो पहला प्रश्न है एक नंबर, उसमें आपको बताना है कि भारत का प्रथम वाइसराय कौन बना था। भारत का प्रथम वाइसराय कौन बना था। जो प्रश्न संख्या 2 है, प्रश्न संख्या 2 में है भारत सचिव पद कब सर्जित किया गया। भारत सचिव पद कब सर्जित किया गया। और जो आपका तीसरा क्वेश्चन है कि वाइस राय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति कौन से अधिनियम के तहत दी गई। इन तीनों प्रश्नों को आप गौर से पढ़िए, सरल सिंपल प्रश्न है। आप मुझे संभावना है या मुझे लगता है कि आप इन प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे देंगे अगर आपने ध्यान से वीडियो को देखा है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही लेंगे, परंतु इन तीनों प्रश्नों के उत्तर कमेंट्स बॉक्स में जरूर कीजिए। अगर नहीं आ रहा तो फिर भी आप अपने हिसाब से जो सुना है समझ रहा है वो उत्तर दीजिए, हम अगले वीडियो में इन प्रश्नों की चर्चा करेंगे तीनों की। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।